यूपी की सियासत की बात हो या फिर बीजेपी में मंत्रिमंडल की, ओपी राजभर कई बार उलट सलट बयान देते नजर आते हैं। इस बार उनकी सोच है कि बीजेपी के मंत्रिमंडल में वो तब शामिल हो सकते हैं जब वो अखिलेश को निशाने पर रखेंगे, और यही वजह है कि अखिलेश पर वो तमाम सवाल उठा रहे हैं, और उनकी कोशिश यही है कि बीजेपी के मंत्रिमंडल में वो शामिल हो सकें। लेकिन जनता क्या कुछ सोचती है, मैं इस समय आगरा में मौजूद हूँ, आगरा में तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ओपी राजभर जैसे लोग जो लगातार बयानबाजी देकर कहीं ना कहीं सत्ता को उलट पलट करके चर्चाओं में रहना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ जनता सोचती है। सर, सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं कि ये देखा गया कि अब मंत्रिमंडल का समय है तो लोग चाहते हैं कि सीट उनके कब्जे में आ जाए, तो अखिलेश पर निशाना साधने लगे हैं, ये राजनीति का देखिए ओपी राजभर इनका कोई स्टैंड ही नहीं है, बेपैंदी के लोटे हैं ये, हमारी पार्टी में कहीं अखिलेश की पार्टी में, इन्हें सिर्फ सत्ता में रहना है। और भाई शीर्ष नेतृत्व की कहानी है कि जो भी उनको पद दे, लेकिन ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये कभी तो मोदी जी को, माननीय मोदी जी को, योगी जी को गाली देते हैं जब उन्हें अखिलेश के साथ जुड़ना होता है, और जब उन्हें बीजेपी में जुड़ना होता है तो अखिलेश को गाली देते हैं, लगातार उनकी बयानबाजी भी देते हैं। ऐसे कई नेता उनकी तरफ हैं, अखिलेश की तरफ, चाहे हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लें। देखिए, जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस समय इनका जो साथ गठबंधन के साथ था, तो उस समय ये बयान मोदी जी, योगी जी पर किया करते थे। तो मैं तो समझता हूँ इनका इलाज माननीय योगी जी इनका इलाज वैसे यहाँ आगरा में कराते हैं, जो पागलखाना जो आगरा में है इनका इलाज वैसे यहाँ ठीक तरह से हो सकता है। ऐसे लोगों की इस साफ सुथरी राजनीति में जरूरत नहीं है। वैसे मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, इस तरह के जो बयान जो उन्होंने दिए, उनकी जो कुंठित जो मानसिकता, छोटी सोच है, उसको प्रदर्शित करता है। ऐसे शीर्ष नेता क्यों नहीं समझ पाते उनके बयानों को, उनके चीज़ों को, उलट फिर होती रहती है कभी कभी, वगैरह की 80-80 सीटें बीजेपी कम जिता देगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हमारी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, शीर्ष नेतृत्व को ऐसे नेताओं से दूरी बना के रखने चाहिए, क्योंकि उनका केवल डिपेंड ही ऐसे बयानों पर राजनीति करने का रहता है, उल्टा सीधा बोलना और अपने आप को सिद्ध करना। तो मैं तो ये योगी जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ, इनका यहाँ आगरा में इलाज करा लें, पागलखाने में ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। आप बताइए क्या लगता है आपको, जो आजकल ट्रेड चल रहा है धर्म और जाति के नाम पर, और देखेंगे जो हिंदुत्व जो एकता आई है उसके बाद आप देख रहे हैं कि अधिकतर लोग सनातन धर्म पर हमला करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा गलत है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म, सबसे पहले धर्म की बात हम लोगों को रखनी चाहिए। अगर धर्म हिंदुत्व अगर जाग रहा है हम लोगों में, तो हिंदुत्व की रक्षा करना हम लोगों का कर्तव्य। सत्ता में रहने के लिए बयानबाजी करते हैं, सत्ता में रहने के लिए नहीं, वो प्रेस में अपने आप को घोषित करना चाहते हैं, स्वयंभू नेता बनना चाहते हैं, उन लोगों का हमारा विरोध है। सर, सबसे पहले अपने बीजेपी को किसी को भी अलायंस नहीं करना चाहिए, किसी को भी गठबंधन में नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि बीजेपी किसी को भी गठबंधन में जोड़ती है, क्योंकि वोट हमारे मोदी के फेस पे मिल रहा है हमें। आपका तत्पर किसी भी नेता को जो विवादित नेता को नहीं रखना चाहिए। महबूबा मुफ्ती से इन्हें गठबंधन नहीं करना था सबसे पहले, उसके बाद इन्होंने महाराष्ट्र में उसके साथ गठबंधन नहीं करना था। इनको खुद अपने फेस पे वैल्यू चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि मोदी जी के फेस पे वोट मिलता है हर जगह। आप कहीं भी जाइए, नीतीश कुमार सबसे बड़े पलटू राम है, उन्होंने पलटी मारी वहाँ पे, उनके साथ गठबंधन में इन्होंने चुनाव लड़ा, वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। कह रहा है कि ओपी राजभर को बिल्कुल साइडलाइन लगा देना, साइडलाइन करना चाहिए, क्योंकि मोदी जी के शकल पर ये सब आ रहे हैं यहाँ पर अलायंस करने के लिए। आप बताओ, युवा हो, क्या सोचते हो? जैसे आज हमने न्यूज़पेपर पढ़ा, ओपी राजभर जी का आज का बयान था, जैसे कि मैं शराब दे दूँ अगले जी को तो पीलिया हो जाए। हमें तो यही नहीं पता कि ओपी राजभर जी एक नेता है कि एक जादूगर है। हम आज तक यही नहीं समझ पाए, ऐसे नेता का तत्काल विधानसभा से इनको तुरंत निष्कासित किया जाए। ऐसे लोगों, ऐसे नेताओं की कोई ज़रूरत नहीं है। एक हमारी, एक उत्तर प्रदेश की जनता को एक अखिलेश यादव जी जो कि एक पढ़े लिखे नेता है, एक ऐसे नेता से उम्मीद है हम लोगों को, जो कि 2024 में आने वाले चुनाव आ रहा है लोकसभा, जो समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी तैयारी है, और इस तैयारी के साथ में अखिलेश जी के नेतृत्व में हम जैसे युवा और तमाम कार्यकर्ता उनके दिशा निर्देश करते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं कि हम अखिलेश जी के साथ हैं, और जिस तरीके के बयान, आपको लगता है ओम प्रकाश राजभर जो बयान देते हैं कभी बीजेपी के पक्ष में, कभी सपा के पक्ष में, तो ऐसे नेताओं के लिए क्या सोचा है? वो तो इसलिए कहते हैं कि जहाँ मिली तरी वहीं बिछा दो दरी, उनका तो ये हिसाब है, उन्हें निकासी करना चाहिए, और मेरा मानना है कि मोदी योगी को बढ़ावा देना चाहिए। काम अच्छा चल रहा है? काम अच्छा चल रहा है।
जरूरत नहीं है ऐसे नेताओं की। नहीं नहीं ऐसे नेताओं को हमारी वजह से आएंगे नहीं। अब ऐसा तो मैं भी कह दूं मेरी वजह से एक वोट से जीत गया, ऐसा थोड़ी होगा, वोट तो वोट ही होगा। अच्छा आप है ना आप बताइए क्या आप क्या सोचते हैं? मोदी योगी बेस्ट हैं, उनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और ऐसे जो नेता हैं जो कहते हैं कि इधर बयान करो तो वो सोचते हैं कि ये हमारे पक्ष में होंगे, उधर उनको उनके खिलाफ बयान करो। नहीं नहीं ये गलत है, नहीं बयान बयान नहीं, मोदी योगी बस। और वो गाली गंद करते हैं उनको, मतलब बिल्कुल ही जो बयानबाजी करते हैं उनको साइड कर दिया, साइड कर। मोदी वो अच्छे से सरकार काम कर रही है, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। पहला सुरक्षा हाँ जी सब अच्छा है। चलिए यहाँ और भी लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं एक बार। आप बताइए सर कि आज ओम प्रकाश राजभर लगातार बयान देते रहते हैं, एक और बयान उन्होंने आज दिया कि अखिलेश यादव का शराब पी तो पीलिया हो जाएगा, मतलब अब अखिलेश को कटघरे में लेने शुरू कर दिया, क्या लगता है मंत्रिमंडल की चाय है बीजेपी में मिल जाए? भाई साहब हम इन्हें जानते नहीं हैं, हम मोदी जी और योगी जी को जानते हैं, उन नेताओं को जानते हैं हम जो अपने राष्ट्र के लिए अपने देश के लिए काम करते हैं, और हमें इन नेताओं से कोई मतलब नहीं है, हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं जो इस देश इस राष्ट्र के लिए बात करेंगे। अगर राजभर इस गुमान में है कि भाई उनकी वजह से 80 सीटें जीतेंगे आपको लगता है कि? नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये उनका गुमान और घमंड किसी का भी नहीं चला। आपको क्या लगता है यहाँ पर बयानबाजी होती है, कई नेता ऐसे हैं कभी हिंदुत्व को सामने लाते हैं कभी उसको? मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हमारा है ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, मैं काफ़ी बार यूपी में आना जाना रहता है मेरा, वैसे हम हैं राजस्थान से, यूपी की सरकार को देखते हुए हम राजस्थान के अंदर हमने भी बीजेपी को लाए, हमारा ट्रांसपोर्ट में काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। यूपी से पहले यहाँ पे आरटीओ वगैरह काफ़ी परेशान करते थे, जब से योगी जी आए हमारा ट्रांसपोर्ट बड़ा अच्छा चल रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा जिस चीज़ से देश बढ़े वो ट्रांसपोर्ट है, तो ट्रांसपोर्ट को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो यूपी पार्टी ये बीजेपी पार्टी है, तो सपोर्ट करना चाहिए बीजेपी पार्टी को। बीजेपी है लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या बीजेपी का ऐसे लोगों को साथ में रखना चाहिए जो जिनके दो मुंह है, कभी इधर बोलते कभी इधर? दो मुंह वालों को तो क्या अपने को साथ नहीं रखना चाहिए, पार्टी तो कैसे साथ रखेगी, देश को आगे बढ़ाना देश को पीछे थोड़ी रखना है। राजभर ने कहा कि अखिलेश को पीछे जाएगा, इस तरीके जो बयानबाजी है वो कितना ऊपर का राजभर को ऊपर ले जाती है? मैंने कही वो अपनी बहुत छोटे से एक समाज की राजनीति करते हैं, उन्हें शायद कोई भी समाज पसंद नहीं करता, उनकी राजनीति को कोई पसंद नहीं करता, उनके बयान को कोई पसंद नहीं करता। जिस तरीके के नेता चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात की जाए, स्वामी प्रसाद वारिया की बात की जाए, इन नेताओं को दरकिनार करके सिर्फ विकास के रास्ते पर चला जाए, जनता जिसे पसंद करेगी उसी की सरकार चुनेगी, लेकिन ऐसे नेता जो बयानबाजी करते हैं सिर्फ मंत्रिमंडल की चाह में, उनको एक साइड दरकिनार कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 2024 लोकसभा चुनाव सामने हैं, इसको लेकर के सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति बना रहे हैं। बीते दिनों राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना गठबंधन किया और इसके साथ साथ दारा सिंह चौहान सपा छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। ऐसे में अब 2024 की बिसात सामने हैं। इन जो नेताओं को शामिल किया गया था बड़ा आश्वासन यही दिया गया था कि इन सबको मंत्री बनाया जाएगा, ऐसे में अब क्या चीज़ें रहेंगी, कैसे क्या आने वाले दिनों में समीकरण बैठेंगे, यही जानने के लिए आज हम जनता के बीच में मौजूद हैं। लोगों से ही पूछेंगे कि आखिर लोगों की राय क्या है। भाई साहब क्या नाम है? नाम तो है राहुल कुमार पांडे। राहुल जी राजभर जी कह रहे हैं कि जो है श्राप दे दूंगा पीलिया हो जाएगा, ये सब बता रहे हैं। अरे यार वो तो उनका ये पहले से है, वो ओम प्रकाश राजभर जी पहले भी इधर कुछ बोल चुके हैं बहुत लोगों के बारे में। खैर हम उनकी बातों को हम अन्यथा न लें, अगर बोले हो तो माफ़ी मांग सकते हैं, वो माफ़ी मांग। राजभर जी कह रहे हैं कि जो है सांप दे दूंगा तो पीलिया हो जाएगा। असल में कुप्रभाव में वो विक्षिप्त हो चुके हैं, भाजपा का पाप को वो झेल नहीं पा रहे हैं। अब रह गया सवाल कि वो इतना अधिभार भाजपा वालों ने दे दिया है कि उनका जो है वो संतुलन गड़बड़ा गया है, वो बस उनकी हालात वो है कि दो आरजू में कट गए दो इंतजार में, अब इधर रहें कि उधर रहें वो सोच भी नहीं पाते। आ रह गया तमाम बातें ही आती रहती है, लड़ाई लड़ाई होती है, सपा जो है एक पार्टी है, चलते हैं सपा भाजपा नहीं, सब नहीं। एक साथ ही है सब। नहीं नहीं नहीं, जब ये लोग हार गए हैं तो समाजवादी पार्टी को दोष देते हैं, जब ये हार जाते हैं तो कुछ किसी और को दोष देते हैं, जब ये हार जाते जब इनको जनता नकार देती है तब कुछ कुछ और बोलते हैं लोग, लेकिन जनता सब समझ रही है ना, जनता सब देख रही है, समझ रही है जनता, जो जनता सब समझ रही है, लेकिन क्या करेगी, वोट डालेगी चाहे जहाँ डालेगी, भाजपा जाएगा, ए बी एम सेट है,
सेट है इनका, सेट है ईवीएम सेट है, जब तक ईवीएम है कोई आ नहीं पाया। कौन भाई साहब ईवीएम कांग्रेस लाई, ईवीएम लाया किसने? हाँ बनी है ईवीएम, अमेरिका में क्यों नहीं ईवीएम से चुनाव हो रहा है? ना धरना दें संसद भवन के अंदर, कपड़ा वपड़ा उतार के फेंक दें, जिस दिन बैठ जाए कि भैया नहीं, जिस दिन 140 करोड़ जनता धरना देगी ना गुजरात भाग जाएंगे, जिस दिन 140 करोड़ जनता धरना दे देगी ये गुजरात में नजर आएंगे, आप देखिएगा। अच्छा तो ये बताइए कि राजभर जो अखिलेश यादव के बारे में कह रहे हैं कि श्राप दे दूंगा तो पीलिया हो जाएगा, इस पर क्या क्या चीज? राजभर कह रहे हैं कि श्राप दे देंगे तो पीलिया हो जाएगा, समाजवादी पार्टी के नेताओं को सपा के बारे में। देखो समाजवादी पार्टी को अब हम ये क्या बताएं, जो देवी देवता के बारे में टिप्पणी कर रहा है, जो सनातन धर्म मानता ही नहीं है, तो उसके बारे में हम क्या बताएं, उसका वैसे सब खराब हो जाएगा सब। तो क्या ये लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जैसे अखिलेश यादव पे सवाल खड़े कर रहे हैं तो ये सब करने से क्या वो मंत्री बन जाएंगे? जब से मंत्री बन जाएंगे, जब से ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में कदम रखे हैं तब से सरकार बनाने की नौबत नहीं आई है समाजवादी पार्टी को। राजभर तो भाजपा के साथ आ, अरे सपा में थे ना चुनाव में 2022 में, हरवा दिए, यही तो हरवाए हैं, दूसरा कोई थोड़ी ना हरवाया है, ये न होते तो जीत गई होती 2022 में सपा। मंत्री बनेंगे लगता, ये मंत्री बनेंगे और मंत्रिमंडल में शामिल होंगे तो क्या 80 सीटें भाजपा की आ पाएंगे? बाबा इनको अब अंदर घुसने नहीं देंगे, क्या बात कर रहे हो, ये कौन सा मंत्री बन जाएंगे और पार्टी इनको ले लेगी, भाजपा ले लेगी, कांग्रेस ले आएंगे भाई अंदर ही नहीं। नहीं देखिए ऐसा नहीं है, उनकी एंट्री हुई है हमारे यहाँ, ठीक है, और शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि किसको क्या बनाना है किसको क्या नहीं। राजभर लगातार कह रहे हैं अखिलेश यादव को जो है इनको श्राप दे दूंगा तो पीलिया हो जाएगा, लगातार उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो उस पर क्या? देखिए मैं भारत नमन पार्टी की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि ओम प्रकाश राजभर अपने इसी विवादित बयान से चर्चा में बने रहना चाहते हैं, यदि उनको सपा और भाजपा ना ले तो शायद वोट गिनाने नहीं जाएंगे। ओम प्रकाश जी की जो मंशा है वो एकदम बढ़िया जगह पर जा करके वो गोटी फिट हो चुकी है कि आप समझ लीजिए कि ओम प्रकाश की मंशा जो है अगर आग यूं ही सुलगती रहेगी न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी, इसी आग में भाजपा स्वतः साफ हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कोई क्षेत्रीय दल रहेगा ही नहीं, मैं बता रहा हूँ, ओम प्रकाश राजभर की तो बातें छोड़िए, तंग कर देंगे। और सर वो उनकी सोच है अंकल जी की, कुछ खत्म नहीं होगा, मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे, सब बरकरार रहेंगे, बरकरार रहेंगे, कोई खत्म। अच्छा राजभर लगातार अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मतलब उसके उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? ओम प्रकाश राजभर की तो को बात है तो वो बनना चाह रहा है, उल जलूल बयान देते हैं, उनके लिए मेरा 1% सपोर्ट नहीं, बिल्कुल बताइए। ये ओम प्रकाश राजभर राजनीतिक के राखी सावंत बन चुके हैं, जो मीडिया के जरिए लगातार चर्चा में रहना चाहते हैं। राखी सावंत बॉलीवुड में और राजनीति में राजभर जी हैं जो 1%। अब कुछ नहीं, क्या मतलब इनके कहने का मतलब है कि उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं उनका राजभर जी, ऐसा उनको नहीं देना चाहिए, पता नहीं क्या कभी कभी उनको कुछ हो जाता है, लेकिन दे गए रहे। अरे भैया उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है कि जाओ ऐसे और बयान दो, कई ईवीएम के नाम पर विपक्षियों को बोलना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना। अगर बोलना है तो चुनाव से पहले बोले, चुनाव के बाद क्यों बोल रहे हैं, चुनाव आयोग की पार्टी तो सही कह रहे हैं। अगर चुनाव से पहले आप लोग यही बात जैसे उठा दें, 2000 जो है 15 से मैं बोल रहा हूँ, जब तक ईवीएम है कोई नहीं आएगा, माइक ला लो हमारा वीडियो, लोग बता रहे हैं इनके नेता बोले एक भी बार, अभी 18 में भाजपा में नहीं, इधर सुनिए, अभी भाजपा में रहे, इनको भाजपा ने पार्षद का टिकट नहीं दिया, कांग्रेस का दामन था। अब भाई ईवीएम पे लेकिन नैतिकता के आधार पर इनको
नहीं बोलना चाहिए, ललिता यही है कि चुनाव से पहले वो बोले। 2015 में मैंने इसलिए बोला था, मैं भारतीय जनता पार्टी में था, हमको पता था एबीएम सेट होता है, इसलिए हमने बोला था कि कोई नहीं आना। मुन्नी बदनाम हुई अपने डार्लिंग के लिए, ईवीएम बदनाम हुआ मोदी जी के लिए। चलिए इसी बात पे आज की ये सियासी चर्चा खत्म करते हैं। लोगों की अलग अलग राय 2024 को लेकर के निकल करके सामने आई, राजभर के दांव पर लोगों ने खुलकर राय रखी, और इसके साथ ही साथ 2024 से पहले जो उत्तर प्रदेश में क्या सियासी बिसात होगी ये आने वाले दिनों में तय होगा, उस हिसाब से जनता अपना मूड भी तय करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।